दिस इज अ फोर्थ लेक्चर और इस लेक्चर में हम एवरेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एनटीएस से रिलेटेड तमाम एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम देखेंगे कुछ डिस्टेंस प्रॉब्लम्स जो कि एवरेज से रिलेटेड हैं. एवरेज के कॉन्सेप्ट को हम आम इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं. मेरे कॉलेज में एक लड़की होती थी जो कहती थी मैंने मॉडलिंग करनी है और सब उसको कहते थे कि यार तुम्हारी हाइट जो है ना वो एवरेज है. तो एवरेज का क्या मतलब है जब हम बोलते हैं कि यार आपकी हाइट एवरेज है, इसका क्या मतलब है? एवरेज का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो कि कॉमन है, जो कि एक्सपेक्टेड है, जिसको सैम्पल के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है. उस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये एवरेज वैल्यू है. जो तो स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो एवरेज और मीन में डिफरेंस को करेंगे, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है उनमें एवरेज और मीन जो है उसको हम एक ही कंसिडर करेंगे. एवरेज और मीन का एक ही फार्मूला है हमारे पास और इस फार्मूला को हम इन डेप्थ स्टडी अभी आगे करते हैं. पहले हम देखते हैं कि मीडियन क्या है और मोड क्या है. मीडियन जो है वो है मिड वैल्यू और मोड जो है वो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है. इस एग्जाम्पल में हमारे पास मोड है 7 और हमारे पास मीडियन भी 7 है. एवरेज का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. एवरेज को अब हम विजुअली अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए. If three poles of 10 feet, 5 feet and 9 feet are erected, what is the average height of poles? अब according to the formula, हमें पता है कि हमने इन तमाम values को plus करना है और फिर इन्हें 3 से divide कर देना है. 3 से इसलिए divide कर रहे हैं क्योंकि there are three poles. अब actually हम कर क्या रहे हैं हम ये देखते हैं. ये हमारे पास अब 3 poles हैं, एक की height 10 feet है, एक की 5 feet है, एक की 9 feet है. एवरेज निकालने का मतलब है कि मैं इन तीनों पोल्स की हाइट को इक्वल कर दूं. यानी अगर मैं इन तीनों पोल्स की हाइट को इक्वल कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा एवरेज होगा. अगर मैं कंसिडर करूं कि एक ब्रिक जो है वो 1 फुट की है, तो मुझे इस पोल से एक ब्रिक को सबसे छोटे वाले पोल के ऊपर लेके आना है. जस्ट लाइक दिस, जो सबसे बड़ा पोल था हमारे पास, अब यहाँ से मुझे 2 ब्रिक्स चाहिए, 1 और 2. अब इन तीनों पोल्स की हाइट जो है वो सेम हो चुकी है. और ये सेम हाइट किस पॉइंट पे आके हुई है? हमारे पास एक ब्रिक 1 फुट की थी, तो इन तमाम वैल्यूज को जब हमने इक्वल डिवाइड किया है तो टोटल जो है वो 8 फीट की हाइट बनी है हमारे पास. तो इसी को हम एवरेज कहते हैं. जो एवरेज का फॉर्मूला है एक्चुअली उसकी बैकग्राउंड में यही कॉन्सेप्ट है. इफ द नंबर्स आर इवनली स्पेस्ड, The average is the middle number. अगर numbers के दरमियान जो difference है वो same है तो average जो है वो middle number होगा. ये वाला question जो है ये NTS के exams में बहुत दफ़ा आ चुका है और यहाँ पे first 5 multiples of 2 हमने लिखे हैं और average जो है वो है middle number 6. Average is 6. Average of first 9 odd integers starting from 9. पहले हम लिखेंगे, हम 9 से स्टार्ट करेंगे. हमें उन्होंने कहा है कि 9 से स्टार्ट करें, तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. टोटल 9 हमने लिखने हैं, फर्स्ट 9 ऑड इंटीजर्स, लेकिन हमने 9 से स्टार्ट करना है. टोटल हमने 9 इंटीजर्स लिखे हैं और ऑड इंटीजर्स लिखे हैं, लेकिन स्टार्ट हमने किया है 9 से. अब इसमें भी एवरेज जो है वो मिडिल नंबर है, लेकिन अगर वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो हमारे पास एक मेथड है जिससे हम एवरेज निकालते हैं. हम मिडिल नंबर इस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो आंसर है वो 17 आएगा. एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इंटीजर्स, इसको भी हम फॉर्मूला से निकालेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8. तो अगर तो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो सेम है, तो
तो एवरेज जो है वो मिडल नंबर है, और मिडल नंबर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, वेटेड एवरेज। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनकी हमें वेटेज दी होती है, उसे हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अ मैन परचेज्ड 3 लार्ज पॉपकॉर्न्स ऑफ 80 रुपीज ईच, 3 टाइम्स 80, एंड 2 स्मॉल पॉपकॉर्न्स ऑफ 40 रुपीज ईच। फॉर्मूला हम उसी तरह लिखेंगे, प्लस हम करेंगे 2 टाइम्स 40 एंड 2 स्मॉल पॉपकॉर्न्स ऑफ 40 रुपीज ईच। What is the average price of 5 popcorns? अब हम इसे divide करेंगे 5 से। Total number of popcorns जो हैं वो 5 हैं, तो हम इसे 5 से divide करेंगे। Formula हमने उसी तरह लिखा है, sum of values and divided by total number of values. Formula हमने उसी तरह लिखा है, sum of values divided by total number of values. लेकिन हमें ये देखना है कि values की क्या weightage हमें दी गई है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 रुपीस इज द एवरेज प्राइस। अली गॉट एवरेज ऑफ 84 इन मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, व्हाट इज हिज मार्क्स इन कंप्यूटर्स इफ द एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इज 86। वीडियो को आप पहले पॉज कर लिया करें और खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करें, इससे आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, अब हम इसको ट्रेडिशनल वे में पहले सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मेथड से। एवरेज is equal to sum of marks divided by total subjects. पहले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, Ali got average of 84 in math, English and science. Sum of marks जो है हमारे पास वो है maths plus English plus science. और ये total हमारे पास है 3 subjects. अब हम total marks निकाल सकते हैं इन तीनों subjects का, और वो हम इस तरह निकालेंगे 84 into 3, जो कि हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे टोटल 252। अब 252 टोटल मार्क्स हैं मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के। व्हाट इज हिज मार्क्स इन कंप्यूटर्स इफ द एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इज 86। अब एवरेज 4 सब्जेक्ट्स की 86 है। अब एवरेज है हमारे पास 86 और ये एवरेज हमारे पास है 4 सब्जेक्ट्स की, यानी सम ऑफ मार्क्स जो है वो हम इसमें मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है और इसमें अब कंप्यूटर्स भी शामिल है। अब ये 4 सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, अब ये टोटल हो चुके हैं हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 86 इंटू 4। अब हमारे पास ये 344 जो है ये टोटल मार्क्स हैं 4 सब्जेक्ट्स के। अब 344 से हम 252 को माइनस कर देंगे, यानी हम इन तीन सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कंप्यूटर के मार्क्स आ जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल। इसलिए अब हम 344 से माइनस कर रहे हैं 252 को, उसने हमसे कंप्यूटर्स के मार्क्स पूछे हैं, तो कंप्यूटर के मार्क्स हैं हमारे पास 92। जब हम NTS के जॉब के एंट्री टेस्ट के लिए और जो MCQ बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हमें क्विक मेथड भी आना चाहिए। जब आप समझ के कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं तो आप एक क्विक मेथड से भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब ये वही सेम क्वेश्चन हमने लिया है, जब हमने विजुअली अंडरस्टैंड किया था तो हमें पता था कि एवरेज निकालने का क्या मतलब है। एवरेज निकालने का मतलब है कि हम वैल्यू को इक्वली डिवाइड कर दें। उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। हमें पता है कि एवरेज जो है वो 84 है इन तीनों सब्जेक्ट्स की। हमें मार्क्स नहीं पता, इन तीनों सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स नहीं पता, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स को हम 84 मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एवरेज हमने जब निकाली थी तो हमने मार्क्स को इक्वल डिवाइड कर दिया था, तो जो इक्वल डिवाइड करके वैल्यू आई थी वो हमारी एवरेज थी। इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे मैथ्स में भी 84 थे, इंग्लिश में भी 84 थे, साइंस में भी 84 थे। इफ द एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इज 86, अब अगर हम ये देखें कि एवरेज जो है वो 4 सब्जेक्ट्स की 86 है, अब अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो एवरेज जो है वो 86 है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो 86 हैं। अब हम ये देखते हैं कि पिछली वैल्यू से किस तरह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मैथ में
टू पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, इंग्लिश में भी टू पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास 84 से दो पॉइंट ऊपर है, टू मार्क्स ऊपर आ रहे हैं। साइंस में भी टू मार्क्स का डिफरेंस है, पहले हमारे पास 84 थे, अब हमारे पास 86 हैं, टू। अब ये जो एक्स्ट्रा सिक्स मार्क्स हैं ये कैसे आए हैं? हम इन एक्स्ट्रा सिक्स मार्क्स को 86 में प्लस कर लेते हैं यहाँ कंप्यूटर्स में। तो इस तरह हमने देखा कि हमने जो एक्स्ट्रा सिक्स मार्क्स थे वो एक्चुअली कंप्यूटर्स में थे। द सेवन बॉक्सेस हैव एन एवरेज वेट ऑफ 7 किलोग्राम, थ्री बॉक्सेस एवरेज एट 3 किलोग्राम ईच, टू बॉक्सेस एवरेज एट 5 किलोग्राम ईच, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट टू बॉक्सेस। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि हम इसको एक टेबल बनाएंगे और इससे इसको सॉल्व कर लेंगे। हम फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिखेंगे, एवरेज इनटू टोटल इज इक्वल टू सम। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, द सेवन बॉक्सेस हैव एन एवरेज वेट ऑफ 7 किलोग्राम। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 7। उनका एवरेज वेट कितना है? 7 किलोग्राम। और सम ऑफ वेट्स अब हम निकाल सकते हैं, 49 टोटल वेट है। थ्री बॉक्सेस एवरेज एट 3 किलोग्राम ईच। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, थ्री बॉक्सेस एवरेज एट 3 किलोग्राम ईच। तीन बॉक्सेस जो है उनका एवरेज वेट है 3 किलोग्राम। इसका भी हम सम ऑफ वेट्स निकाल सकते हैं, 9 किलोग्राम। टू बॉक्सेस एवरेज एट 5 किलोग्राम ईच। टू बॉक्सेस का एवरेज वेट है 5, और इसका भी टोटल सम ऑफ वेट्स हम निकाल सकते हैं, 10। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट टू बॉक्सेस। अब आखिरी दो बॉक्सेस बच गए हैं और उनका हमने एवरेज वेट निकालना है। लास्ट टू बॉक्सेस, क्योंकि ये टोटल 5 हैं, 7 - 5 = 2, लास्ट टू बॉक्सेस रह गए हैं और इसका हमने निकालना है एवरेज वेट। अब अगर हमारे पास सम ऑफ वेट्स आ जाएं तो हम एवरेज वेट इजीली निकाल सकेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सम ऑफ वेट्स हम किस तरह निकालेंगे? इन दो वेट्स को हम प्लस करेंगे और टोटल वेट्स में से हम माइनस कर देंगे, 49 - 19 = 30। इन टू बॉक्सेस का जो टोटल वेट है वो 30 है। अब हम इजीली एवरेज वेट कैलकुलेट कर लेंगे, 30 / 2 = 15। ये इस तरह से आपने टेबल बना के सॉल्व करना है। ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, 5 kids हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ 8, अमंग देम 3 boys हैव एन एवरेज ऑफ 5 score, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग 2 kids। ये भी आपने बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हल करना है, इसको भी टेबल बना के हम सॉल्व करेंगे। 5 kids हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ 8, टोटल 5 kids हैं जिनका एवरेज स्कोर जो है वो 8 है, तो सम ऑफ स्कोर्स हमने निकाल लिया 40। और उसके बाद उसने बताया है कि उनमें से 3 boys जो हैं उनका एवरेज स्कोर 5 है, तो उनके सम ऑफ स्कोर्स भी हमने निकाल लिए 15। अब जो लास्ट 2 kids हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है? पहले हम उनका सम ऑफ स्कोर्स निकालेंगे, 40 - 15 = 25, और फिर हमने फार्मूला की तरह उसे सॉल्व कर लेना है, 25 / 2 = 12.5। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 7 days इज 9 cartons, आफ्टर 8th day एवरेज बिकम 10 cartons, हाउ मैनी cartons वर प्रोड्यूस्ड ऑन द 8th day। इस सवाल को भी हमने टेबल बना के सॉल्व करना है, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू सम ऑफ cartons। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 7 days इज 9 cartons, टोटल 7 दिन हैं और एवरेज प्रोडक्शन है 7 दिनों की 9 cartons। टोटल प्रोडक्शन कितनी है? सम ऑफ cartons 63 cartons। आफ्टर 8th day एवरेज बिकम 10 cartons। 8 दिनों के बाद एवरेज जो है वो 10 cartons हो चुकी है। अब टोटल प्रोडक्शन 8 दिनों की कितनी है? सम ऑफ cartons 80 cartons। उसने हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी cartons वर प्रोड्यूस्ड ऑन द 8th day, 8वें दिन कितने cartons प्रोड्यूस हुए हैं? बहुत सिंपल है, हम 7 दिनों की प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8वें दिन की प्रोडक्शन आ जाएगी, 80 - 63 = 17 cartons। अब हम देखते हैं कि एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू
रेट इनटू टाइम। एवरेज रेट का क्या फॉर्मूला है? एवरेज रेट का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इस एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। अ मैन ड्राइव्स 60 माइल्स एट 30 माइल्स पर आवर। आफ्टर अ शॉर्ट स्टे ही कंटिन्यूड हिज जर्नी एट 20 माइल्स पर आवर एंड कवर्स अनदर 40 माइल्स विद दिस स्पीड। अब ये दो जर्नीज का डाटा हमें दिया है। व्हाट इज हिज एवरेज रेट फॉर द होल जर्नी? और पूरी जर्नी का एवरेज रेट उन्होंने हमसे मांगा है। अब ये हम कैसे निकालेंगे? हम फर्स्ट जर्नी का डाटा लिखते हैं, 60 माइल्स। फर्स्ट जर्नी में हमारे पास डिस्टेंस है 60 माइल्स और रेट क्या है हमारे पास? 30 माइल्स पर आवर। आफ्टर अ शॉर्ट स्टे ही कंटिन्यूड हिज जर्नी। अब सेकेंड जर्नी का हम डाटा लिखते हैं, डिस्टेंस है हमारे पास 40 माइल्स, कवर्स अनदर 40 माइल्स और रेट क्या है हमारे पास? 20 माइल्स पर आवर। हमने निकालना है एवरेज रेट जो कि है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस तो हमारे पास है दोनों जर्नीज का, D1, D2, इसको हम D2 लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल टाइम नहीं है। इस फॉर्मूला से अब हम टाइम निकाल लेंगे। पहले हम फर्स्ट जर्नी का टाइम निकालेंगे, T इज इक्वल टू D ओवर R, 60 ओवर 30, दैट इज 2 आवर्स। अब हम सेकेंड जर्नी का टाइम निकाल लेंगे, T इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 20, विच इज इक्वल टू 2 आवर्स। सेकेंड जर्नी का जो टाइम है वो भी 2 आवर्स है। एवरेज रेट इज इक्वल टू 60 प्लस 40, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, 2 प्लस 2। सो एवरेज रेट हमारे पास क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 4, विच इज इक्वल टू 25 माइल्स पर आवर। तो इस तरह से हमने एवरेज रेट को कैलकुलेट किया है। दोनों जर्नीज का जो हमारे पास डेटा था उससे हमने टाइम को कैलकुलेट किया है ताकि हम टोटल टाइम लिख सकें एवरेज रेट के फॉर्मूला में।